back, yo. So, hey everyone, it's Aman here, 20 something, और ये आवाज सुनने के लिए तड़प गए थे ना, मैं भी ये बोलने के लिए तड़प गया था। तो यार मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि दोबारा से कहाँ से वीडियोस बनानी स्टार्ट की जाए, तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ से पहले की थी वहीं से करते हैं काइन मास्टर। और फिर मैंने काइन मास्टर खोला, उठाया और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, पर जितना जल्दी मैंने उठाया था उतना ही जल्दी मैंने उसे दब दिया, क्योंकि उसमें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है ही नहीं। बेसिकली उसके इफेक्ट्स एडजस्टमेंट लेयर की तरह यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है टेक्स्ट एनिमेशन के लिए, किसी भी तरह के वीएफएक्स के लिए, तो वो काफी ज्यादा लिमिटेड। बट हाँ, उनके पास अपनी एक स्टॉक म्यूजिक की, वीडियोस की और इमेजेस की लाइब्रेरी है, और कुछ कुछ ओवरलेज भी उसमें अच्छे हैं, पर वो मैं वैसे भी ज्यादा यूज करता नहीं। मैं मेनली ज्यादा इफेक्ट्स यूज करता हूँ, और यूट्यूब वीडियोस बनाते टाइम भी एनिमेशन और इफेक्ट ये ज्यादा यूज होते हैं, तो इसीलिए काइन मास्टर इज नॉट माई गो टू चॉइस नाउ। पर मुझे एक और भी ध्यान आया कि काइन मास्टर पर वीडियोज बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हीं लिमिटेड इफेक्ट्स की लिमिट्स को थोड़ा और पुश किया जाए। तो फिर मैंने काइन मास्टर दोबारा से खोला, कुछ टेक्स्ट डाले और थोड़े से इफेक्ट्स के साथ उसको और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एंड देन आई केम अप विद 5 टाइटल एंड टेक्स्ट एनिमेशन। पर आज के लिए हम ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टेक्स्ट वाली लेयर ऐड करनी है और उसे एक बार डुप्लीकेट करना, और जो ऊपर वाली लेयर थी उसको तुम्हें कलर को ब्लैक पर शिफ्ट कर देना है, और उसकी आउटलाइन को तुम्हें व्हाइट पर ऑन कर जितनी भी तुम आउटलाइन रखना चाहो वो तुम्हें उसको सेट करना है। और उसके बाद जो सेकंड वाली क्लिप है उसको तुम्हें ट्रिम कर देना है, उसको एंडिंग पे लगा देना जहाँ पर तुम्हें अपनी एनिमेशन एंड होते हुए चाहिए बेसिकली वहाँ पर। तुम्हारी पहले वाली क्लिप थी उसको दो बार और डुप्लीकेट करो, और उसको एक एक फ्रेम आगे शिफ्ट कर दो नीचे की जाकर, और उसके जो उसकी आउटलाइन है उसके ऑप्शन में जाना है, और उसके कलर तुम कोई भी दे सकते। मैंने ये पिंक, ग्रीन और ब्लू कलर सेलेक्ट किया, और उसके बाद उसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पर शिफ्ट कर दो। उसके बाद तुम्हें बस इफेक्ट्स में जाना है, स्पाइरल ब्लर इफेक्ट, उसकी सेटिंग्स तुम्हें कुछ इस तरह से रखनी है जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ 7, रेडियस 1, सेंटर एक्स वाई 49, इनवर्स 0, क्वालिटी 10, एनेबल जूम आउट 1, और उसके बाद तुम्हें उस इफेक्ट वाली लेयर को फुल स्क्रीन करना है, जूम आउट एनिमेशन में जाकर स्केल डाउन एनिमेशन दे देना, और उसके लिए टाइम तुम्हें कमी रखना है जैसे कि 0.2 से 0.4 के बीच। और बस इसमें कुछ लास्ट टच रह गए, जो तुम्हारी फाइनल क्लिप है जिस पे तुमने आउटलाइंस ऑन नहीं कर रखी है वहां तक तुम्हें अपने इफेक्ट्स वाले लेयर को लेकर जाना है, और उसके बाद जहां पर तुम्हारी पहले वाली क्लिप एंड हो रही है वहां पर तुम्हें उसे एंड कर देना है। और उसके बाद तुम्हें इफेक्ट्स में जाना है, क्रोमेटिक ग्लिच इफेक्ट, और उसको लगाओ और उसे कुछ 10 फ्रेम जितना कर दो जिससे वो एक ट्रांजिशन के रूप में बन जाएगा, और उसके बाद जहां पर तुम्हारा टेक्स्ट एंड हो रहा है वहां तक तुम्हें उसके स्केल को बढ़ा देना है, और बस उसके बाद तुम्हारा इफेक्ट बन गया। और अगर तुम्हें और भी काइन मास्टर के बोरिंग इफेक्ट्स को इंटरेस्टिंगली यूज करते हुए देखना है तो वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब मारो।